हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मुंबई सेंट्रल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों सो सॉरी, हम थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल जो रिव्यू है उसको देने के लिए। अपने साथ जो कैंडिडेट जुड़े हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उनका जो डीवी एज वेल एज मेडिकल का जो सेंटर आया था दोस्तों, उनने दोनों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्ड रिव्यू हमारे साथ शेयर किया। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और वो वीडियो चेक कीजिए। दोस्तों, आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, हम ऑलरेडी पहले ही अधिकतर जोन कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में कि कौन कौन से फॉर्म इन्हें मांगे गए एज वेल एज़ कौन कौन से मेडिकल इन्हें टेस्ट कराए गए और इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, दोस्तों वन बाय वन अपन सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं अपन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों, इन्होंने कहा जैसे ही आप मुंबई सेंट्रल उतरते हैं तो आपको सेंडर्स रोड जाना है। सेंडर्स रोड एक लोकल रेलवे स्टेशन है। जैसे आप वहाँ उतरते हैं तो मात्र 4 या 5 मीटर की डिस्टेंस पे आरआरसी मुंबई का ऑफिस, रेड कलर की बिल्डिंग है दोस्तों। दोस्तों वहाँ पे आपको इंटर करना है। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। वहाँ आप जाएंगे आरआरसी के ऑफिस में तो आपको वो वहाँ पे खुद बे खुद जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो वो अपलोड करके दे देंगे। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। इनका जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 9 बजे का था और इन्हें जो फ्री कर दिया गया वो था 4 बजे। अब इसके बीच की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उन्हें क्या क्या कराया गया तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही ये अंदर जाते हैं, 5 लाइन बनी हुई थी, ABCDE। ईच लाइन से टू टू कैंडिडेट्स को बुलाया गया। उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस था, पड़ाव था, वो था बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपको सबसे पहले आपका थंब एक्सप्रेशन अगर मैच नहीं होता है तो आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपने हैंडराइटिंग लिखा था अगर वो भी मैच नहीं होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था, आपने सबमिट किया था, तो उसमें आपकी फ़ोटोज़। दोस्तों ये तीन चीज़ें, अगर ये तीनों मैच नहीं होते तो आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा, फिर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका लिया जाएगा, फिर लास्ट में आपका लिया जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ की। फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। दोस्तों वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। मात्र 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट का सर्टिफिकेट, बस तीन चीज़ें आप ध्यान रखें। आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है वो, बट 10th का मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट का सर्टिफिकेट। कहीं कहीं जगह आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका वोटर आईडी या कुछ, आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, इनमें से कोई एक और आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ में ज़रूर रखें। फिर दोस्तों अपने पास पता चला था कि चालान अपने को भेजते हैं दूसरी जगह और फिर अपने को एक स्लिप दे देते हैं, उसको अपन मेमो बोलते हैं, तो पर यहाँ पे 24 रुपये आपसे खुद ले रहे हैं और फिर आपको एक स्लिप दे देते हैं। स्लिप देने से पहले स्लिप पे आपका मेडिकल सेंटर प्रोवाइड रहता है कि आपको यहाँ पे जाके आपका मेडिकल टेस्ट करवाना है, बट उससे पहले आप जब जाओगे, जब आपको यहाँ पे क्रॉस चेक किया जा रहा है, पर अपन दूसरे जोन्स में क्या देखते थे कि आपका जैसे ही बायोमेट्रिक होगा उसके बाद आपको क्रॉस चेक किया जाएगा, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अब जब जाएंगे, जब उस मेमो एक जो स्लिप रहेगी उस पर लिख लिया जाएगा कि हमने क्रॉस चेक कर लिया है, अगर आपको कुछ कट लगा होगा या तिल होगा तो वहाँ पे वो लिख के दे देंगे और अब वो स्लिप आपको कल मेडिकल टेस्ट के लिए ले जानी पड़ेगी साथ में। तो वहाँ पे कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं कि आपको मेडिकल सेंटर कौन सा चाहिए, बेटा बताओ। दोस्तों ये जो अपने साथ कैंडिडेट जुड़े हैं उनको नागपुर दे दिया गया था, वो उधर से फिल करके दे रहे हैं। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं अपन अब मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट में दोस्तों आप जैसे ही स्टेशन उतरते हैं तो 100 मीटर की दूरी पे है आरआरसी हॉस्पिटल। आप जैसे ही अंदर जाएंगे यहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट हो रहा है वो है हाइड्रोसील का। आपको खांसने के लिए कह दिया जाएगा। जैसे ही टेस्ट होता है वन बाय वन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और फिर आगे प्रोसीड किया जा रहा है। जो कैंडिडेट्स बच जाते हैं उनके साथ उनको मतलब बैठने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि वो किसी को कुछ बता ना दे, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वर्क हो रहा है। फिर उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। हाई टेस्ट पे कम से कम हर एक कैंडिडेट्स पे 15 से 20 मिनट एक्सपेंड कर रहे हैं। आई टेस्ट में आपका कॉर्निया चेक होता है। कॉर्निया इन द सेंस दोस्तों कि आपकी कोई आई से रिलेटेड मेजर सर्जरी तो नहीं हुई है। फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट इशिहारा बुक से होगा।
सर्कल रहेगा, सर्कल टाइप में एक पेज रहेगा, उसमें कॉम्प्लेक्स डिजिट रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा वो। फिर आपका उसके बाद नियर विजन डिस्टेंट विजन टेस्ट होगा। नियर विजन में आपको पास की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, डिस्टेंट विजन में दूर की चीज़ें। और दोस्तों जो स्पेक्टिकल्स लगाते 4 डायोप्टर तक अलाउड है, बट जिससे बहुत हाई लेवल का चश्मा लगा है तो दोस्तों मैं बता दूं कि A2 और P1 जो कैटेगरी है उनको ही अलाउड करें, जो बाकी की कैटेगरी है उनको होल्ड पे रखा जा रहा है। होल्ड पे इन द सेंस कि उन्हें लास्ट में कवर किया जा रहा है, उन्हें जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं, आई सर्जन रहते हैं, उनके थ्रू चेक किया जा रहा है। अगर आपको 4 डायोप्टर तक चश्मा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका पाइल्स का टेस्ट होगा, आपका टेस्टिस हर्निया। दोस्तों ऐसा नहीं कि डॉक्टर आ रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल पोलाइट वे में और बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से किया जा रहा है। आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका शुगर टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एक्सरे, आपसे उठक बैठक लगवाई जाती है, ज़्यादा नहीं दोस्तों मात्र 10। उससे आपकी जो ब्लड प्रेशर दोस्तों जैसे नॉर्मल 120 से 80 होना चाहिए, तो ये बस चेक किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर लास्ट में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आता है कि हमें कैसा पता चलेगा भाई कि हम फिट या अनफिट। तो दोस्तों लास्ट में जगह अगर आप फिट रहेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि नहीं, अब आप घर जा सकते हैं। अगर आप अनफिट रहेंगे तो आपको कल वापस से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें रीमेडिकल के लिए बुलाया गया, और दोस्तों उन्हें कल जैसे ही आते हैं तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं उनसे चेकअप करवाया जाता है। और स्पेशली दांत, नाक, जीभ दोस्तों ये कहीं पर भी चेक नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि भाई बताओ कि ये हो रहा है कि नहीं, दांत भी नहीं देख रहे, ना जीभ और ना ही नाक, ये कहीं पर भी चेक नहीं हो रहा है। और दोस्तों जैसे ही अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू है या कुछ हो दोस्तों, उससे भी कोई मैटर नहीं है दोस्तों। उनका भी कहना है कि हमें जो कैंडिडेट्स चाहिए जो इस सीट को डिज़र्व करते हैं, जो इस जॉब को डिज़र्व करते हैं, आप मात्र एक कदम दूर है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। ऑल द वेरी बेस्ट जी जिसका अभी तक DVA एज वेल एज मेडिकल टेस्ट बचा हुआ है। दोस्तों अगर आपके कुछ अभी भी डाउट्स और कुछ क्यूरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अगर और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और कुछ आपके डाउट्स और कुछ क्यूरीज हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।